Hello, lovely children. Good morning. How are you all? Happy? Fine? Yes. चलो आज कुछ और न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे ना. Yes, silly words. तो चलो शुरू करते हैं. Look at here, listen carefully and speak with me. Okay, shall we start? Yes. Now see what is this? This is I. The sound of I is E. And this is P. The sound of P is P. इससे क्या बन गया? इप. What is this? ई प इप. बोलो मेरे साथ, इप. ई प इप. ई प इप. इप बन गया ना? यस. चलो इससे कौन से वर्ड्स बनते हैं देखते हैं. चलो हे, कौन आ गया? बी. द साउंड ऑफ बी इज ब. ब ई प बिप. से विथ मी, ब ई प बिप. बिप. बिप का मतलब क्या होता है? हॉर्न का साउंड होता है ना, बिप बिप. यस, हॉर्न कैसे बजता है? बिप बिप. ब ई प बिप. से विथ मी, बिप. ब ई प बिप. यस, अभी बिप चला गया, अभी ई प फिर से आ गए और अपने फ्रेंड को बुलाया तो कौन आ गया? डी. द साउंड ऑफ डी इज ड. तो कौन सा वर्ड बन गया? ड ई प डिप. ड ई प डिप. Say with me, dip. क्या है ये? Dip. D E P. Dip. Dip का मीनिंग क्या होगा? Dip का मीनिंग होता है डुबोना. आप डुबो के खाते हो ना, बिस्किट को चाय में, रोटी को दाल में डिप करते हो ना. Yes, the meaning of dip is डुबोना. D E P. Dip. Say with me, dip. What is this? Dip. क्या बोलोगे इसको? Dip. यस, अभी डिप चला गया. दूसरे दिन फिर से ईप आ गए, अपने फ्रेंड को बुलाया और कौन आ गया? ह. एच. साउंड ऑफ एच इज ह. भी कौन सा न्यू वर्ड बन गया? ह ई प हिप. कौन सा बना? ह ई प हिप. से विथ मी, हिप. बोलो मेरे साथ, हिप. ह ई ही प हिप. हिप का मीनिंग क्या होता है? हिप का मीनिंग आपका जो ये बॉडी पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हिप. ये पोर्शन को क्या बोलेंगे? हिप. से विथ मी, हिप. यस, हिप. ओके, चलो अभी हिप चले गए और क्या आ गया फिर से? ई प. और किसको बुलाया? ल को. द साउंड ऑफ एल इज ल. ये एल है ना, एल का साउंड क्या होगा? ल. ल ई प लिप. ल ई ली प. ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ली प लिप. ली प लिप. ल ई प लिप. लिप का मतलब क्या होता है? होठ. आपके है ना होठ, इसको क्या बोलेंगे? लिप. देयर आर टू लिप्स, है ना? यस, बोलो लिप. कैसे पढ़ेंगे? लिप. से विथ मी, ल ई प लिप. यस, अभी ये सोने चलेंगे. फिर से दूसरे दिन ई प आ गए और फ्रेंड्स को बुलाया, हे फ्रेंड्स, कम आउट, लेट्स मेक न्यू वर्ड्स. कौन आ गया? स आ गया. हु हैज कम? स. अभी कौन सा न्यू वर्ड बन गया? स ई प सिप. कौन सा बन गया? स ई प सिप. सिप का मतलब क्या होता है? स ई प सिप. रीड विथ मी, सिप. सिप का मीनिंग होता है आप स्ट्रॉ से सिपिंग करते हो ना, है ना, सक करते हो ना. सिप सिप. बोलो स ई प सिप. देखो ये गर्ल है ना, वो जिसको सिप कर रही है अपनी स्ट्रॉ से, चूस के आप पीते हो ना, उसको सिप बोलते हैं. स ई प सिप. बोलो मेरे साथ, सिप. यस, स ई प सिप. कैसे रीड करेंगे? स ई क्या हो जाएगा? सी. एंड दिस इज प. सी प. ऐसे भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं, स इप सिप. ओके, ये सब चले गए. दूसरे दिन फिर से ई प आ गए. भी किसको बुलाएंगे? हे, दिस इज टी. द साउंड ऑफ टी इज ट. क्या बन गया? कौन सा न्यू वर्ड बन गया? ट ई प टिप. ट ई टी प टिप. बोलो मेरे साथ, टिप. ट ई प टिप. कौन सा वर्ड है ये? टिप. टिप का मीनिंग क्या होगा? टिप. टिप यानी जो टॉर्च होती है ना, पेंसिल की टिप.
ये पॉइंटेड पोर्शन है, ये क्या है इसकी टिप, पेंसिल की टिप है ये, बोलो ट ई प टिप टिप, यस कैसे पढ़ेंगे टिप ट ई प टिप। अभी ई चले गए, दूसरे दिन फिर से आ गए और किसको बुला दिया, स को बुला दिया, सिप। अरे ये तो हमने पढ़ लिया है ना, दूसरी बार आ गया, कोई बात नहीं फिर से पढ़ लेते हैं। चलो स ई प सिप, सिप का मीनिंग क्या होगा, जूस पीना है ना, यस। और फिर से गए, फिर से आ गए, ट को बुलाया, कौन सा वर्ड बन गया टिप, ट ई प टिप। टिप चले गया, दूसरे दिन फिर से ई एंड प आ गए और किसको बुलाया, ज को बुलाया, साउंड ऑफ जेड इज ज, क्या होगा ज, ज ई प जिप, कौन सा न्यू वर्ड बन गया जिप, से विथ मी जिप, ज ई जी प जिप, ज इप जिप, ज इप जिप, जिप यानी चेन, जिप है ना आपके पैंट की होती है ना जिप, यस जिप, बोलो मेरे साथ जिप, यस ज इप जिप। तो चलो आपको ये सारे वर्ड्स रीड करने आ गए ना, तो ये सारे वर्ड्स अच्छे से दूसरी बार वीडियो प्ले करके पूरे वर्ड्स अच्छे से रीड कर लो विथ साउंड्स एंड 5 टाइम अपनी नोटबुक में लिख लो, स्पीक एंड राइट, ओके। साउंड्स बोल के लिखना है, जेड आई पी नहीं लिख बोलना है, क्या बोलोगे ज ई प जिप, ऐसे बोल के अपनी नोटबुक में 5 टाइम लिख लो। तब तक मैं आपके लिए और न्यू वीडियो बनाती हूँ, ठीक है ना, टिल देन बाय बाय।